अनुज सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंतो नयन जल छाए, हृदय दाहुवती बदन बलीना, कही कर जोर वचन गति दीना। ठहरो राघव ठहरो, ये क्या कर रहे हो राघव? उस बूढ़े मंत्री के सामने ये दृश्य प्रस्तुत कर दिया, अपनी ये केस वट वृक्ष के दूध से जटाओं में परिवर्तित कर लिए और एक संकेत दे दिया कि हे बूढ़े मंत्री सुमंत, अपने हृदय में यह विचार कर लो कि वट विश्वास अचल निज धर्मा, ये वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है, आज उस वट का दूध अपने अपने केसों में लगा करके जटाओं को परिवर्तित बना लिया, यह सिद्धांत दे दिया कि अब हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। तो नहीं राघव, ठहर जाओ, ये केस जटाओं में परिवर्तित ना करो, क्योंकि मुझसे देखा जाता है नहीं। हो चुकी पिताजी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, बहुत तेरे हृदय गगन पट पर वरदानों के घन जाता है नहीं, बन का ये सिंगार, अब लौट अवध को चलिएगा, सनमुख रथ तैयार, राघव अयोध्या वापस चलो, अयोध्या वापस चलो राघव। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतो तुम सब सोधा। पिता तोले मंत्री सुमंत जी, आप अपनी इस अधीरता को धीरता में बदलने का प्रयास करें, आप अपनी अधीरता को धीरता में बदलने का प्रयास करें, क्योंकि आपका नाम सुमंत है, आपने हमें सदैव से अच्छी मंत्रणा दी है, अच्छी सलाह दी है, आज भी आपकी सलाह यही होनी चाहिए, यही मंत्रणा होनी चाहिए कि जो पिताजी द्वारा हमें आदेश मिला है उस आदेश का पालन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन केवल आप प्रेम के वशीभूत होकर, इस ममता के वशीभूत होकर आप अपने नाम के अस्तित्व को भूल गए। ओ ओ हमारे पूर्वजों की ओर यदि हम ध्यान दें तो आपके द्वारा ही हमारी पूर्वजों का इतिहास सुनाया गया, पढ़ाया गया। हो शिव दादी
कलेसा। अधर्म को रखने के लिए करोड़ों संकट सहे। रंति देव बलिभूपि सुजाना, धर्म धर्यू सही संकट नाना। धर्म का सम्मान किया और संकटों को सहते रहे। क्या मैं अपनी पूर्वजों के पद चिन्हों से हट जाऊं? क्या आपका ये कहना होगा? नहीं मंत्री सुमंत जी, अब अधिको न जाऊं बचन के लिए। मैंने वो आदेश सिरोधार कर लिया है। बचन मैं निभाऊं उस कथन के लिए, मेरी जान जाए बचन के। I'm not the one who's running away.
जान जाए भजन के, मेरी 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 जान जाए भजन के। मैं अयोध्या नहीं जा सकता। हेलो, अरे 20 रुपया माता दीन कुशवाहा जी यहीं के निवासी, इसमें 20 रुपया प्रदान करते हैं मंडल की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य कहा राघव, ये मंत्री सुमंत ममता में खो गया और कहने लगा कि राघव अयोध्या वापस चलो। सत्य है जहां सत्य का डंका बजता है, जहां बचनों के लिए प्राण निछावर कर दिए जाते हैं, ऐसी पूर्वजों की गाथाएं उस वंश में तुमने अपने आप को प्रस्तुत किया है। वंश की बेल को आगे बढ़ाने के लिए तुम धर्म नहीं छोड़ोगे। ये मंत्री भी तुमसे निवेदन नहीं करता, पिता के वचन तुम्हारे लिए है राघव, लेकिन मैं जब सूर वंश की पुत्र वधु सीता की ओर दृष्टि डालता हूं तो सीता पुत्री को हम इस वन में रोता देख नहीं सकते। अरे इन पत्ते और कुशाओं पर सोता देख नहीं सकते। मेरा निवेदन है इन्हें ही वापस कर दो। यदि ये अयोध्या चलेंगी तो रनिवास में प्राणवायु आ जाएगी। सारी अयोध्या इन्हें देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगी। मैं निवेदन करता हूँ सीता को हमारे साथ भेज दो। आपका ये निवेदन मैं अपनी ओर से सीता के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप विराजमान हो जाएं। सीता ये मैं समझ रहा हूं तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि तुम अब हमारे साथ ही चलोगी और मैं तुम्हें स्वीकृत भी दे चुका हूं। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करह बन गमन समाजू। मेरे द्वारा तुम्हें स्वीकृति भी मिल गई कि तुम हमारे साथ चल सकती हो, तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। लेकिन मैं पिताजी का संदेशा जो तुम्हारे लिए आया है तुम्हें अपनी ओर से तुम्हें बता रहा हूं। सीता, हमें ऐसा लगता है कि हमसे अधिक विश्वास हमारे पिताजी को तुम्हारे ऊपर है, हमसे अधिक आस्था हमारे पिताजी को तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि पिताजी का संदेशा तुम्हारे लिए इस प्रकार का है, यदि राम ना लौटे तो मेरी बहू सीता को अब सही लौटा के लाना। तो तुम्हारे ऊपर विश्वास हमारे पिताजी अधिक करते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो यदि तुम लौट जाओगी तो गुरु पितु माता प्रिय परिवार तुम्हारी लौटने मात्र से, गुरु पितु माता प्रिय परिवारू फिरहुता शबाकर मिटय खवारू। सभी का कष्ट सभी का दुख तुम्हारे लौटने मात्र से दूर हो सकता है। अब इस विषय में तुम्हारा विचार क्या है प्रस्तुत करो। हेलो, अरे 200 रुपया हमारे भैया राजेंद्र दद्दा पटेल साहब और पूरन पाल साहब भड़ोकर वाले चलते हुए प्रसंग पर 200 रुपया प्रदान करते हैं मंडल की ओर से, कोटि कोटि धन्यवाद। आदरणीय प्रभु सुन पति बचनो कहत बैदे हूं प्राण पति परम स्नेही। हे नाथ प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहे छाए किम छेकी। क्या स्वामी शरीर को छोड़कर के क्या छाया को पकड़ा जा सकता है। नाथ प्रभा जाए कह भानु बिहाई कह चंद्र का
चंद्र तज जाई, क्या स्वामी सूर्य भी अपनी प्रभा को अपने से दूर कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता है। फिर स्वामी पति सेवा पति पूजा यही है काम पत्नी का, पति के पावन चरणों में है मुक्ति धाम पत्नी का। जो पत्नी अपने पति के श्री पावन चरणों में मर जाए वह नारी समझ लो स्वामी कि भव सागर से तर जाए। पति की सेवा ही नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म बताया गया है ना, सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही प्राण आधार, पति ही पत्नी के लिए सदा मोक्ष का द्वार, सदा मोक्ष का द्वार। नाथ तुम मेरे पिया चलू, संग में बन चलू। अब मैं तुमसे कहूं तो क्या करूं, मेरा प्रयास पूरा हो चुका है, पूर्ण प्रयास मैंने अयोध्या में ही कर लिया था, अब तुमसे कहूं तो क्या करूं। हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं बचे जो मैं तुम्हें लौटाने का प्रयास कर सकूं, लेकिन तुम्हारा ध्यान वही ओर ले जाता हूं। तुमने कहा पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए, अच्छी बात है रहना चाहिए, लेकिन जिस पत्नी ने या जिसने भी समय के साथ समझौता ना कर पाया, समय के साथ समझौता ना कर पाया, ऐसा व्यक्ति किस काम का? ये जरूरी नहीं कि पत्नी पति के साथ ही रहे, समय आने पर मिलना बिछोड़ना भी पड़ता है। क्या तुम्हारा पति सदा के लिए साथ छोड़ रहा है? कुछ दिनों के लिए, ना जाने कितनी पत्नियों की पति प्रदेश में रहते हैं, क्या वो सभी साथ में जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये जो तुमने यह बात सुनाई सहमति नहीं इससे रघुराई, ऐसा कुछ नहीं है सीता। जो तुमने यह बात सुनाई सहमति नहीं इससे रघुराई, मेरी जान की हो, मेरी जान की इतना कहूं अच्छी बात नहीं है। अरे तुम्हें अपने सत्यत्व पर विश्वास होना चाहिए, अपने व्रत पर विश्वास होना चाहिए,
अरे ऐसी ऐसी पत्नियां हुई हैं हमारे यहाँ कि यमराज से भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए। ऐसी ऐसी महान नारियां हुई हैं, क्यों छुड़ा लिए? क्योंकि उन्हें अपने सतीत्व पर विश्वास था, अपने व्रत पर विश्वास था। तुम्हें भी विश्वास होना चाहिए, ये तुम्हारा जीवन साथी 14 वर्ष के बाद तुम्हारे साथ आएगा। जो तुमने यह बात सुनाई, सहमत नहीं इससे रघुराई, मेरी जान की जिद ना करो शिया जिद ना, शिया जिद ना। अपने हृदय का विचार मंत्री सुमंद जी के समक्ष प्रस्तुत। हे पिता के समान पूजनीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है। पीतू ससुरे सर से हित तो पीतू ससुरे, आप हमारी पिताजी के समान एवं पूजनीय ससुर जी के समान हैं। तो मैं पीतू ससुरे जानकी जी व लक्ष्मण जी, ये आदरणीय हमारे सम्मानीय रामलीला अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार पटेल दद्दाजी भड़ोकर, ये रामलीला अध्यक्ष भड़ोकर और उनका साथ दे रहे हमारे पूरन पाल, ये 2 से 1 रुपया आए हैं राम जी की भूमिका पर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मंत्री जी विचार करें आप, अगर किसी सोनी से कह दिया जाए ये सोनी तुझे सोना अलग करना है और सोने की चमक को अलग करना है, तो क्या कोई सोनी कर सकता है? नहीं कर सकता है। मंत्री सोने की ये चमक की कभी सोने से अलग नहीं होती, सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों को ये धोने से अलग नहीं। पति की अनुगामिनी है,
बुरी पर मुझे न ललसा सकती है। हंसनी सरोवर को तजकर अन्यत्र नहीं जा सकती है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरी धरे धनुभाता। आप चिंता का परित्याग करें, अगर आप चिंता कर रहे हो तो चिंता को ना करें, क्योंकि हमारे स्वामी हमारे साथ हैं, हमारे देवर हमारे साथ हैं और इनके हाथों में धनुष बाण शोभायमान है। आप चिंता ना करें, किसी भी प्रकार की चिंता पूर्ण कछु लखनो कही प्यारे मंत्री जी, अब आप शांत हो जाएं। बहुत समय से मैं आपकी वार्ता को सुन रहा हूं। आपने भैया से आग्रह किया कि भैया आपके आग्रह को सुनकर के अयोध्या वापस लौट जाएं। जब भैया ने जाने से इनकार कर दिया तो आपने माता श्री की ओर भी संकेत किया, लेकिन मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि अयोध्या वापस जाने के लिए अब आपका संकेत इस लक्ष्मण की ओर ना हो, क्योंकि आप शायद ये जानते नहीं कि भैया के अयोध्या वापस जाने से आखिर होगा क्या, क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है। जिस समस्या का समाधान करने का आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है नहीं हो सकेगा, बल्कि स्थिति बिगड़ जाएगी, बहुत ही गंभीर हो जाएगी, क्योंकि आप शायद ये जानते हैं जिसमें माता श्री के द्वारा पिता श्री से दो वरदान मांगे गए थे। पहले वरदान में भैया रथ को अयोध्या का राज मांगा गया और दूसरे वरदान में भैया को 14 वर्षों का वनवास, जिसमें दूसरा वरदान सुनकर के हमारे पिताश्री अधीर हुए, व्याकुल हुए, तो उस समय माताश्री के द्वारा एक प्रण किया गया था, प्रात होत मुनि वेश धर जो न राम बन जाए मोर मरण राउर अजस रूप समझे बनवाए। मझली माताश्री का कहना था यदि हमारे भैया 14 वर्षों के लिए बन पखंड की ओर ना गए तो मछली माता श्री अपने प्राण का परित्याग कर देंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका पुत्र अपनी ही माता श्री के प्राणों के हत्यारे बन जाए? नहीं पिताश्री, मैं चाहता हूं आप अपने इन पुत्रों को हत्यारा ना बनाए। आपसे आग्रह करता हूं कि अब आप अतिशीघ्र अयोध्या वापस लौट जाए और जाकर के हमारी मझली माता श्री से कह देना कि वह अपने प्राणों को सुरक्षित रखे। कहना माता के कहीं से के घी के चाक हम काटे थे सो निकल गए निष्कंटक राज। कह देना क्षमा करे हम बेटे हैं वो महतारी जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके आभारी। अब आप अयोध्या वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, लौट जाए। प्रभु बरी जे बड़ अनुचित जानी सकुचि राम निज सफतो दिवाई लखन संदेशो कहाँ जन जाए। पिता तुले मंत्री सुमंत जी, आपको मेरी सौगंध है, आपको मेरी सौगंध है, लक्ष्मण के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी अयोध्या तक ना पहुंच पाए। हाँ, मेरा संदेशा मेरी माता कैकेयी को अवश्य सुनाना। जब आप अयोध्या पहुंच जाएं तो सर्वप्रथम माता कैकेयी के भवन में जाना और कहना राम कह रहा था कि जैसे ही अवधि पूरी होगी ये तीनों प्राणी माता कैकेयी के श्री चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करेंगे। जाओ, मेरा यही अंतिम निवेदन है, चले जाओ अयोध्या, लौट जाओ अयोध्या, लौट जाओ। हेलो, अरे 100 रुपया, 100 रुपया।